जी हाँ श्रोताओं, तेज रफ्तार जिंदगी के जाने अनजाने चेहरे, चेहरे की झुर्रियों के चक्रव्यूह में उलझती और माथे की सिलवटों में सवालिया निशान लिए हम एक ऐसी कहानी से रूबरू होने जा रहे हैं जो खुद में सवाल भी है और जवाब भी। हमेशा की तरह आप सबके साथ रहेगी आप ही का साया सना सलीम। नमस्कार। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। तो आइए चलते हैं आज की फिल्म बागबां के फूल और कांटों भरे सफर पर। जी हाँ, 2003 में जब 21वीं सदी अपने नन्हे मुन्हे पैरों से चलना सीख रही थी, तभी पारिवारिक विघटन और भावनात्मक सुनामी लिए एक ऐसी फिल्म आई जो फिल्म ना होकर आईने की तरह समाज के सामने खड़ी हो गई। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान,
ऐसा आईना जिसमें झांकने से हर कोई बचता रहा। निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा यानी बी आर फिल्म्स ने इस फिल्म का निर्माण किया। निर्देशन की कमान संभाली बेटे रवि चोपड़ा ने। संगीतकार आदेश श्रीवास्तव ने संगीत से कहानी को सहारा दिया। सिनेमेटोग्राफी से सहयोग किया वरुण मुखर्जी ने। अपने परिवेश और किरदारों के साथ जिंदगी का जिंदगी नामा बयां करती कहानी और स्क्रीन प्ले ही इस फिल्म का प्लस पॉइंट है, जिसे लिखा बी आर चोपड़ा ने। कहानी के बगलगीर भी होते चले। शुरुआत तो समझिए बस मस्त मस्त ही है, जैसा कि होता भी है। राज मल्होत्रा साहब यानी अमिताभ बच्चन और पत्नी पूजा यानी हेमा मालिनी के साथ चार बच्चे भी हैं, जिन्हें सरकारी कागजों में पुत्र यानी बेटे लिखा जाता है, धन संपत्ति के वारिस। पर अभी आप संजीदा ना हो, क्योंकि अभी तो परिवार में मस्ती है, धमाल है, गाना बजाना है। अरे हाँ, डांस भी तो करना है। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे, सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे। तेरी मखड़ा मेरी सोनी है, चन बलिए सब हसीनों से खूबसूरत है। ए जान दिल से मैं तुझ पे मरता हूँ, तू मेरे प्यार की जरूरत है। मेरी तकदीर मेरा ख्वाब है तू, सब सितारे है महताब है तू, तुझसे सारे सब हसीनों से लाजवाब है तू। शादी के 40 साल पूरे कर चुके मल्होत्रा साहब बैंक में अकाउंटेंट हैं। बदहाल होने से पहले काफी खुशहाल हैं। बैंक द्वारा बड़ी गर्मजोशी से उन्हें सेवानिवृत्त किया जाता है और उतनी ही गर्मजोशी से राज मल्होत्रा साहब घर आ जाते हैं। वहां भी उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत होता है। लेकिन इससे पहले कि इस गर्मजोशी का राज खुले, कुछ खुशी के पल उनकी जिंदगी में और आ जाते हैं, जैसे दीपावली, होली। अरे हाँ, होली का गाना भी तो है। तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया, तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। Oh,
देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया, देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया। उम्र चढ़ी है दिल तो जवान है, उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवान है, बाहों में भर के मुझे जरा जन जाते सजनिया, बाहों में भर के मुझे जरा जन जाते सजनिया। साची कहे है कबीरा या वत हो घरे रघुबीरा, अरे साची कहे है कबीरा या वत हो घरे रघुबीरा। अब लगभग खुशियों के जाने के दिन आने लगे थे। गर्म जोशी से घर में स्वागत का राज धीरे धीरे खुलने लगा, क्योंकि सबकी नजर रिटायर्ड पिता पर नहीं, उनके साथ भविष्य निधि और ग्रेचुएटी के रूप में आई एक बड़ी धनराशि पर है, जिसे लेकर सबके पास अपनी अपनी योजनाएं हैं। और सच तो ये है कि योजनाओं पर भारी बहुओं की भावनाएं हैं। बस यहीं से राज मल्होत्रा साहब, धर्मपत्नी पूजा, बहू बेटों और परिवार की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। चलो किसी तरह रुपए पैसे का बंटवारा तो हो गया, पर माँ बाप का क्या होगा? थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद 21वीं सदी के बेटे इस समस्या का हल भी निकाल लेते हैं। बंटवारा, और वो भी संपत्ति का नहीं, माँ बाप का। प्रौणावस्था के इश्क की खुमारी में डूबे दो जिस्म एक जान के अलग हो जाने का वक्त आ गया। आंखों में खून के आंसू और जुबां पर ताला लगाए अलग हो गए राज और पूजा। हां, एक पल को पता नहीं क्यों उस दत्तक पुत्र की याद जरूर आई, जिसे उन्होंने पैदा भी नहीं किया। और मजेदार बात यह कि राज और पूजा की तकलीफों से नावाकिफ वो भी अपनी जिंदगी में मौज कर रहा था। पहले कभी, हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा। एहसास है ये पहली मोहब्बत का एहसास है ये, कैसे बताऊं कि क्या प्यास है ये।
अब सनम दरमिया ना रही दूरियां तेरी, सुल्फों तले मैं तो सोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा। मेरी नींद गई चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा, हाँ कुछ तो होने लगा। पर यहां तो कुछ भी नहीं हो रहा था, वो बड़ा हृदय विदारक था, आंखों और जहन से एक पल भी ना दूर होने वाले, जिस्म से भी और जान से भी दूर दूर थे। मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां, यहां और वहां के दरमियान हजारों मीलों के फासले थे। कभी आंसू कुछ कहते कहते खामोश हो जाते, कभी जुबां कुछ कहने की जुर्रत कर बैठती। मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां, मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां, तू ही तू है सनम, देखता हूं जहां, नींद आती नहीं याद जाती नहीं, नींद आती नहीं याद जाती नहीं, बिन तेरे अब जिया जाए ना। मैं यहां तू वहां, जिंदगी है जैसे ठहर गया है, यही हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है रूह प्यासी है, तेरी सूरत अब एक बार क्यों नजर से हटती से, मैं चाह के भी न कुछ कह सकूं तुझसे, मैं दर्द कैसे करूं मैं पाया, मैं यहां तू वहां, जिंदगी है कहां,
और एक दिन छह छह महीने का अंतराल भोग कर राज और पूजा मिल जाते हैं और बेटे बहुओं से मिले अपमान पूरे व्यवहार को भुलाकर एक साथ रहने का फैसला करते हैं। इस फैसले से बेटी बहुओं में खलबली मच जाती है और अंत में आवश्यकता और मजबूरी के तहत माता पिता को मनाने भी आ जाते हैं, पर समय गलत चुन लिया। आज राज मल्होत्रा की लिखी किताब बागबां का विमोचन होना है। भरी भीड़ के सामने माइक्रोफोन पर होते हैं राज मल्होत्रा यानी अमिताभ बच्चन और पूजा यानी हेमा मालिनी। किताब के अनावरण के साथ 21वीं सदी के बेटे बहुओं के चेहरे से भी नकाब और आवरण नोच डालते हैं। बाघ को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साय से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। और इस तरह पेड़ ने साय की मोहताजी छोड़ दी और ये फैसला कर लिया कि कभी रहना भी पड़ा तो अपने उस बेटे यानी दत्तक पुत्र आलोक यानी सलमान खान और बहू अर्पिता यानी महिमा चौधरी के साथ रहेंगे, जो उनका खून भी नहीं है। जी हां श्रोताओं, समाज के इस क्रूर आईने में झांकने से बचकर निकल आए हम सब, अपने ही साए सना सलीम के साथ। पीछे रह गए आज की फिल्म बागबां के तीखे चुभते अनुत्तरित सवाल। क्या बोया था और क्या काटा सोचे बागबान, क्या बोया था और क्या काटा सोचे बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान।
चाहा था और क्या पाया, सोचे बागबान।